तो हेलो फ्रेंड, आप लोग को भी स्टोरी लगाने में इंग्लिश सॉन्ग की प्रॉब्लम शो हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ, ओनली यहाँ पे इतने ही इंग्लिश सॉन्ग शो हो रहे हैं। और आप भी स्टोरी आपको अगर हिंदी सॉन्ग से लगाना है तो आपको यही प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले क्या करना है मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है, तो यहाँ से मैं इस प्रॉब्लम का स्क्रीन शॉट ले ले रहा हूँ। स्क्रीन शॉट लेने के बाद फिर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आ जाना है। इंस्टाग्राम अकाउंट में आने के बाद आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आपको एक बार क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करोगे फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएटर एंड ऐड टूल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। आप अगर क्रिएटर हो तो आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्विच अकाउंट टाइप, आपको स्विच अकाउंट टाइप पे आपको एक बार क्लिक करना है। स्विच अकाउंट टाइप पे एक बार क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे शो रहा है स्विच अकाउंट टाइप स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाए हो तो आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा, जब भी आपका जो हिंदी सॉन्ग है आएगा इंग्लिश सॉन्ग हट जाएगा। ओनली क्या करना है आपको स्विच टू बिजनेस अकाउंट पर आपको एक बार क्लिक करना है। स्विच टू बिजनेस अकाउंट पे एक बार आप यहां से टाइप करोगे, तो मैं स्विच टू बिजनेस अकाउंट पे एक बार क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद स्विच टू आप बिजनेस अकाउंट, आपको स्विच वाले आइकन पे एक बार क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने यहां से हट जाएगा। हटने के बाद क्या करना है आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जो जो आपको पॉइंट बता रहा हूं उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहां से नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आपको यहां कहीं पे एक हेल्प का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर दिखा रहा है एक हेल्प का ऑप्शन, आपको हेल्प वाले आइकन पर क्लिक करना है। रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है सेक फोन टू रिपोर्ट आप प्रॉब्लम, इसको ऑफ करना है। इसको ऑफ करने के बाद फिर क्या करना है आपको रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पे आपको एक बार और क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पे इंक्लूड एंड कंटिन्यू, आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे आपको एक बार क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ अपलोड वाले आइकन सेक्शन वाले अपलोड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जो आपने स्क्रीन शॉट खींचा था वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ टाइटल में कुछ ऐसा डालना है जो आपको इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे मैं टाइटल में जो सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको एकदम वही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी, और आगे जो भी डाल रहा हूँ आप देख सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी एंड इंग्लिश सॉन्ग प्रॉब्लम, आपको यही डाल देना है। ओनली इतना ही लिखने के बाद क्या करना है आपको ऊपर सेंड वाले आइकन पे एक बार आपको क्लिक करना है, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऊपर आपको सेंड वाले आइकन पे एक बार क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ से सेंड वाले आइकन पे एक बार क्लिक करूँगा, और सेंड वाले आइकन पे जैसे मैंने क्लिक किया, ओनली क्या करना है आपको वेट करना है। मुश्किल से आपको 1 या 2 मिनट तक वेट करना है, आपकी भी प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। ओनली आप देख सकते हो स्टोरी वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी कोई भी स्टोरी लगाओगे, यहाँ पे मैं स्टोरी लगा रहा हूँ, आपको क्या करना है आपको बीच वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको म्यूजिक वाली सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। ओनली क्या करना है अगर आपके भी अकाउंट में बिजनेस अकाउंट है तो ओनली आपको उसको हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको इस वाली वीडियो में बता दिया है, और आपकी भी प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी शो करा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप दिखा रहा है, ओनली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम्स हो। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।